अच्छा चलिए शर्त अपना रखें टॉस की प्रक्रिया होने के बाद पहले रेल विदेश के द्वारा को द्वारा यह पहला रेड और शानदार टैकल हमसे तो हालांकि बात हुई थी कि मनोज जी संन्यास ले रहे, लेकिन मेरी यह हार्दिक इच्छा थी कि आप मेरी कमेंट्री के द्वारा आप मैच के लिए इसके बाद आप संन्यास लेंगे तो काफी समय इस सीजन का संभवता या दूसरा मुकाबला इनका तक्षण क्रास की प्रक्रिया करने के बाद खाली रेस से जीना चाहकर खिलाड़ी भाई भाई यादव फिर से बार सुधीर गेट पे भाई आप लोग कल स्टापा से भाई आप लोग बैठ जाए स्टापा मोबाइल पे आप लोग बैठ जाए फिर से बार सुधीर गेट पे कैन के साथ यहाँ पे धीरे खेलना जानती है होता टीम एक शानदार रूपेश के द्वारा वहां पे टाइटल करने का प्रयास करेंगे असफल टाइटल खाली पैरों से सुनते थे बल्कि यहाँ पे टाइटल करने के प्रयास करेंगे वहां पे पॉइंट बिटो रहा है यानी दोनों पॉइंट बराबरी पे एक एक पॉइंट अपना पूरा करने के बाद फिर से बार विकास एक शानदार रीडर अपने टीम के लिए जाने जाते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे अपग्रेड करके एक शानदार डिफेंस के साथ यहाँ पे सुपर रेड हो सकते थे लेकिन सुपर रेड भी आकर मैं आपको बचाया और एक शानदार टैकल यहाँ पे एंगल होने के माध्यम से एंगल होने यहाँ पे इस तरह से स्कोर में जमा होता हुआ पॉइंट टू मरिया दो पॉइंट एक संतुष्ट लगाए होता हुआ टीम का रेफरी महोदय थोड़ा सा आप इधर उधर थोड़ा सा घूमते रहेंगे तो हम अंदर चले जाएंगे कोर्ट में प्रवेश कर देंगे इस बार सुधीर बीचों बीच एक शानदार खेल के साथ यहाँ पे चैन चाहिए और यहाँ पे ये गलती में हमारा पड़ सकती है भूता भूत को चैन के साथ घेरे गई चैन के साथ अगर घेरे गई तो फील्डर इस बार लाइन को बाहर किया है मनीष ने अपना भय तक होकर दो पॉइंट मिलेंगे और एक दस पॉइंट और एक इस बार हम भी रेड पे पूरा पैर तो चलाया था हालांकि बैग लगता प्रयास में त्रिकांत भाई को मैंने उसको संपर्क कर ले फिर से बात सुनिए भाई हाला हो रहा है थोड़ा सा म्यूजिक स्लो बजा भाई म्यूजिक एकदम स्लो बजा सुधीर लगातार लाइट कर रहे थे यहाँ पे इनको सफलता मिले सुपर टैकल का मुकाबला यहाँ पे संभवतः देखी जाए तो लाइव ही सतीश को बाहर किया था और एक पॉइंट का ज्यादा होता हुआ फ्रांस डुमरिया पांच पे मात्र एक पॉइंट से शुरुआत ही क्षण में टैकल थे टैकल के माध्यम से वहां पे सफलता मिला था मुद्दा बुकिंग को फिर से बाहर हेरेड करने के लिए जिला चैंपियन खिलाड़ी है लेकिन ज्यादा दिखना होगा चल पा रहा है या नहीं काफी चढ़ा कर यहाँ पे खिलाड़ी बना समान है लेकिन इस बार जिस डिफेंडर का आउट करने का प्रयास लेकिन असफल सुपर टैकल का मुकाबला टैकल होते हैं तो दो पॉइंट फिर जाके होंगे अगर मैच होता सुबह बना सुपर चंदा टैकल इस बार चंदा टैकल इसी बहुत बनानी चाहिए समय इस बात की हो चुकी है कमेटी सुना सुना गया भाई अरे भाई पिछले बार धर्म भी याद हो इस रेड पे शांति पूर्वक यहाँ पे रेड दोनों टीमें कर रही जिसमें पांच की लेखा जो भी बात करो तो एक शानदार खेल के साथ यहाँ पे सुपर टैकल मुकाबले में हम टैकल थे जिसमें दो पॉइंटों से मात्र लीड करते हो यहाँ पे डुमरिया इसमें चैन काफी मजबूत देखने को मिले डिफेंस दोनों तरफ से उसमें खाली पॉइंट लगातार चलते हुए दोनों टीमों के बीच सुपर टैकल का खुना सुपर टैकल के बाद सुपर टैकल यहाँ पे एक बार बोलने पर खिलाड़ी आप लोग ध्यान दें
अब हम बार बार झूठा ही बताते रहेंगे तो कमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर से बार छुपा टैकल का मुकाबला और यहाँ पे टैकल अकेले करने का प्रयास सिंगल हुक पे पैर गया था वहां पे सुधीर भरी बात यहाँ पे सत्रह भरी फेंक करते हुए रूपेश आए रेड करने के लिए। रूपेश एक अच्छे डिफेंडर रेडिंग तो हुक नहीं होती है लेकिन यहाँ पे पैर ऊपर चला रहे हैं थोड़ी सी कार्नर काफी मजबूत और कार्नर पे बाहर चला कर खेले चाइन के साथ यहाँ पे पाइस देखी जाए तो लगता है उल्टा पैर चलाने का प्रयास रूपेश के द्वारा। रूपेश इस मैच में हालांकि एक टीम पिछड़ती हुई इस बार खाली टीम से संतुष्ट। फिर से बार सुधीर आइडेंट का नहीं सुपर टैकल में फिर से ऑल आउट की स्थिति में यहाँ पे और संभावित ऑल आउट होंगे और तीन पॉइंट्स मिलेंगे पॉइंटों पे पहुंच चुकी है। इसके जवाब में आगे कार्नर के लिए एक शानदार लगातार लीग के माध्यम से एक शानदार टैकल समय कटौती 6:50 खेल की समाप्ति के बाद एक शानदार टैकल का डिफेंस किया है। मनीष को चाहिए आगे रेड करने के लिए अपील होती ही शाबाश रुकेंगे। मनीष एक शानदार अद्भुत रेडर चुलबुली स्टाइल में रेडर करते हैं और छोटे सी टीम के यहाँ खिलाड़ी है बैरिया बर्थ टीम के एक शानदार धावक रेडर उसके सीनियर खिलाड़ी हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित जिला के चैंपियन खिलाड़ी भाई अमित यादव श्रीकांत यादव कमेंट्री बॉक्स में बैठकर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए भाई तो आसान है कमेंट्री बॉक्स में विमलेश्वर फिर से रेड पे दोनों टीमों के बीच देखी जाए तो कारण काफी मजबूत एक बार ऑल आउट की स्थिति और अकेले टैकल करने का प्रयास वहां पे पिच लाइन मिडिल लाइन से एक बार खाली पॉइंट से यहाँ पे संतुष्ट जाते हुए खान डुमरिया खाते का स्कोर जाता हुआ इस स्कोर के जाने का 12 पॉइंट पहुंच चुका है। यहाँ पे पीछे बार जाता हुआ पॉइंट भाई स्टाफ आंसर भाई लाइन में मोबाइल ये किसका है लेकिन कुछ क्षण पहले चैन के साथ घेरा नहीं मिला और खाली पॉइंट से संतुष्ट नहीं बल्कि आप पॉइंट दे बैठे देखी जाए तो रेडिंग आना की चल नहीं पा रही क्योंकि आज थोड़ी सी इस मैच के बाद अपने आप से घर तक हुए हैं क्योंकि इनका पहला मुकाबला नॉकआउट के बाद यह मुकाबले खेल रहे हैं। भोजापुर की टीम भाई पप्पू जी पप्पू भाई तो रसोई को कम कर दीजिए इस बार धर्मवीर के द्वारा एक लिए टैकल करने का प्रयास लेकिन सिर्फ यहाँ पे आउट और जापिंग बाद यहाँ पे सुधीर एक पॉइंट से जापिंग बाद अपने टीम को मनीष आए रेड करने के लिए चुलबुली स्टाइल में रेडर ये बेचैनी का फार्म पहले भर लेते हैं इसके बाद रेड करने के लिए आते हैं बीचों बीच के लिए टाइटल करने का प्रयास और यहाँ पे 50 ग्राम के शरीर पे थोड़ा सा डैश करने का प्रयास लेकिन बार बार बचे दोनों टीमों के एक एक पॉइंट दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेंगे। हेलो हेलो साता हो जाता भैया स्कोर दिखाने जाए तो डुमरी 16 पॉइंट और 5 पॉइंट मात्र बने हैं भोजापुर टीम का। भोजापुर इस मैच में शुरुआती चोटी करती हुई इसमें
पिछले मुकाबले देखिए उसमें फक्कू एक टोला में एक तरफा मुकाबला हुआ था लेकिन मैच में जान नहीं आई थी। पीछे में डैश करने का प्रयास और संभावित सफल है और पॉइंट्स मिलेंगे इस यानी एक बार फिर से ऑल आउट होती है इस मुकाबले में। एक बार फिर से रेड पे दीपक भाई आए, दीपक भाई रेड पे और इस बार 10 पॉइंट का अपील होता हुआ लेकिन खाली पैर 36। एक बार फिर से छोटा पैक थोड़ा धमाका रेडर यहां पे रेड करने के लिए। एक बार फिर से खाली पैटो संतुष्ट देखी जाए तो मुकाबले में से पार किए जा रहे हैं। लेकिन साइकिल और यहाँ पे मारा था ड्राइव काफी अच्छी थी और साइकिल की जगह फंसे एक नंबर का खेल रहा था। 7.5 मिनट की खेल की समाप्ति और मनीष एक बार फिर से रेड पे टीमों की देखी जाए तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे मैच में काफी अंतराल देखने को मिल रही है क्योंकि साजन टीम के कप्तान है और कप्तानी काफी अच्छी करते हैं लेकिन आज उनको अकेले मनीष यहाँ पे टैकल कर रहे थे लेकिन यहाँ पे 7.5 मिनट खेल की समाप्ति 15 मिनट का सेट खेला जा रहा है इसमें इन्हें पकड़ सही नहीं 10 मिनट खेल समाप्त सुधीर के लिए रेड करते हैं इस मुकाबले में। हालांकि मैच टूर्नामेंट का बात करूं तो हालांकि इतने टूर्नामेंट हम लोग लगातार देखते हैं जिसमें एसके पी बलिया हमेशा हर मैच में कवरेज करने के लिए जाती है तो यूट्यूब चैनल एसके पी बलिया शानदार रन यहां पे एक शानदार ड्राइव और अपने कोर्ट में जाकर प्रवेश किए और एक तरह से इजाफा जाता हुआ इस पॉइंट की इजाफे के बाद दुमरिया 22 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जिसमें 5 पॉइंट का अंकुश लगा है भोजापुर टीम का। एक बार फिर से रेड करने के लिए आए धर्मवीर यादव। हालांकि धर्मवीर यादव काफी चैंपियन खिलाड़ी है लेकिन चलना नहीं चल पा रहा यहाँ पे खानपुर डुमरिया के सामने। बीचों बीच सेल्फ आउट के बाद हम यहाँ पे अकेले अंदर निकलने का प्रयास और एक दोनों टीमों के लिए पॉइंट सेल्फ आउट यहाँ पे नहीं होंगे इस मुकाबले में। रुपेश और के लिए टैकल नहीं बल्कि डैश करने का प्रयास था और ये अपने आप को बचाया और सुधीर अपने टीम के लिए एक शानदार रेड करते अपने टीम को लगातार इजाफे के बाद इजाफे पॉइंट दे बैठे। समय की बात करूं तो 12 मिनट 10 सेकंड खेल की समाप्ति कमेंटिंग से बस पानी पहुंचा था कमेंटिंग बॉक्स में। इस टूर्नामेंट की तारीफ की बात करूं तो लगातार हम लोग भी देखते हैं लेकिन एक अच्छी स्वच्छता के साथ विशाल टूर्नामेंट का आयोजन और पूरा श्रेय जाना चाहेंगे इस टूर्नामेंट का अध्यक्ष भाई एक शानदार कबड्डी के जानकार एक शानदार रेफरी की भूमिका भाई कृष्णा सिंह जी को और उनके भाई अमन सिंह जी को और पारसनाथ सिंह जी जो इस टूर्नामेंट के संयोजक और सुपर टैकर पे मुकाबला था लेकिन 10 पॉइंट के रूप में यहाँ से पॉइंट जाता हुआ 7 नंबर जहाँ से एक खाते हुए पिछले बार छोटा पैक था धमाका रेड करने के लिए आए लेकिन चलना नहीं चल पा रहा है। बाकी पॉइंट की बात करें तो भोजापुर 6 पॉइंट का अंकुश लगाया और भोजापुर 25 पॉइंट लेकिन अंतराल यहाँ पे देखी जाए तो 19 पॉइंट का अंतराल चल रहा है। टैकर यहाँ पे अनदेखा टैकर रेडर अनदेखा यहाँ पे रेड कर रहे थे शानदार टैकर वहां पे चक्रा भरी रेड सुधीर के माध्यम से 6 और 26 के मुकाबले शेष बचा हुआ। पिछले बार विकास रेड में मात्र एक रेड यहाँ पे आए और इस तरह से से बार दीपक रेड पे 7 मिनट जर्सी लेफ्ट कर्नर रेड करते हुए 14 मिनट की खेल की समाप्ति सुपर हाई सेट में
इस बार के लिए टैकल करने का प्रयास डिफेंडर के द्वारा, लेकिन अपने आप को वापस किया और इनके साथ एक करार छोड़ता हुआ के बाद किस पर पहुंच चुका है बड़ी स्क्रीन पे। किसी भी धरना का जलवा नहीं चल पा रहा है उनके सामने विपक्षी टीम जो फिर से एक बार सुधीर आहिर से 5 नंबर जर्सी और टैकल करने के साथ यहाँ पे घेरे करने का प्रयास किया गया था किसान का नजर से, लेकिन समय कटौती यहाँ पे करते हैं। यह लास्ट रेड होगा, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और विशाल आहिर पे इसके साथ पाली चेंज करने के लिए मनीष गए हैं 4 नंबर जर्सी में। देखते हैं अपने टीम के लिए 1 पॉइंट अपने टीम के लिए अर्जित किया है। दीपक आए हैं भोजपुर के कोर्ट में रेड कराने के लिए, काफी अच्छा फुटवर्क और टच करने का प्रयास, समझौता टच कर लिए बिना पॉइंट वापस अपने कोर्ट पर। फिर से मनीष 4 नंबर जर्सी में रेड कराने के लिए ठाकुर डुमरिया कोर्ट में गए हैं। काफी अच्छा प्रयास भाई श्रीकांत यादव, जहां कोई भी आ जाए आप तो मनु कुमार खोज रहे हैं सुधीर आहिर कराने के लिए। समझौता बोनस का प्रयास, देखते हैं अंपायर का निर्णय क्या आता है। और सुपर रेड हो सकता है, देखते हैं अंपायर का क्या निर्णय आता है। और सुपर रेड और सुर मनी से कार्ड ले गए मुजफ्फरपुर के खाते में, काफी अच्छा रेट आ जाएगा दीपक आए हैं रेड कराने के लिए। स्कोर डुमरिया का 34 है भोजपुर का 9। इसके पीछे चैनल गलिया, अगर आप इस मैच का लाइव देखना चाहते हैं तो उनको चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और लाइव वहीं से लाइव देख सकते हैं इसके पीछे चैनल गलिया। और काफी संदर्भ कहा जाएगा धर्मवीर के द्वारा और समझौता 2 पॉइंट मिलेगा। 11 भोजपुर और काफी अच्छा धनस का प्रयास सुधीर के द्वारा, देखते हैं अंपायर का निर्णय क्या आता है। और धनस मिला ठाकुर डुमरिया को, फिर से धर्मवीर रेड कराने के लिए गए हैं ठाकुर डुमरिया कोर्ट में। आज इनका जलवा चल नहीं रहा है धर्मवीर का, ताजा मनु भाई कबेश तरह खोज होता है बिना टच कोई ले अपना कोटा में चली गई है धर्मवीर। फिर से सुधीर आए बड़े रेड करावे खातिर भोजपुर के कोर्ट में, सुधीर बोनस के प्रयास के लिए टच पॉइंट, भगतपुर अंपायर के कारण निर्णय आता और 2 पॉइंट मिलेगा। फिर से विकास उसमन छपरा के लोकल बॉय रेड कराने के लिए गए हैं धरा 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 इसके लोकल बॉय हम हैं और समझौता बुझा सकी सुपर रेड हो
अंपायर का इंटरव्यू है, देखो अब्दुल पॉइंट वाली थी कहां पे, काफी अच्छा फिर कहा जाएगा। फिर से सुधीर राजवाड़े रन करावे खातिर मुजफ्फरपुर के कोच है, और एक टच पॉइंट फिर से मनीष रेड कराने के लिए गए हैं मुजफ्फरपुर के कोच खानपुर डुमरिया कोच में। की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, बिना पॉइंट खाली वापस अपने कोर्ट में खानपुर डुमरिया के प्लेयर एक नंबर जर्सी लाया रेड कराने के लिए, और दो पॉइंट मिलेगा खानपुर डुमरिया टीम के प्लेयर को। फिर से रेड कराने के लिए मनीष गए हैं खानपुर डुमरिया कोर्ट में, क्रास की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और काफी बार धक्के दिए गए। 42 पॉइंट डुमरिया है, तो वही जोजापुर का स्कोर 13-42। सुपर टैकल ऑन है सुधीर आया रेड कराने के लिए, समझौता पकड़ रहे, दो पॉइंट मिलेगा जोजापुर टीम को। निर्णय देखते हैं अंपायर का क्या आता है, मानेगा एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट खानपुर डुमरिया को। लास्ट विक लौटा रेडर भोजापुर से जो खानपुर डुमरिया को मेरिट कराने के लिए गए हैं कि आपने पाली को जीत कर पाएंगे कि आत्मसमर्पण करेंगे। इस मैच में एक भी डुअल डाई देखने को नहीं मिला। गए रेड कराने के लिए सुधीर, और इसी के साथ ऑल आउट हो गई मुजफ्फरपुर की टीम, और 3 पॉइंट मिलेगा खानपुर डुमरिया रेड कराने के लिए खानपुर डुमरिया कोर्ट में, और समझौता देखते हैं अंपायर का निर्णय क्या आता है। और रेड आउट, का खेल का समाप्ति हो चुका है। फिर से दीपक का यहाँ रेड कराने के लिए मुजफ्फरपुर के कोच में, काफी मजे हुए प्लेयर हैं दीपक, और इसी के साथ अंपायर का डिसीजन देखते हैं क्या आता है। रेड आउट और मिलेगा पॉइंट मुजफ्फरपुर टीम को। फिर से मुजफ्फरपुर के प्लेयर खानपुर डुमरिया के कोर्ट में रेड कराने के लिए गए हैं, काफी ज्यादा इनका कद छोटा है, फिर भी देखते हैं अपने टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। और क्रांति की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, बिना पॉइंट वापस अपने कोर्ट में, फिर से सुधीर रेड कराने के लिए जा रहे हैं मुजफ्फरपुर के कोर्ट में। और सुधीर समझौता सुपर रेड है, अंपायर का निर्णय देखते हैं क्या आता है। और सुपर रेड है, यही अपना डुमरिया 50 पॉइंट चोरी कर चुकी है, हाफ सेंचुरी लग चुका है, और एक पॉइंट मिलेगा भोजपुर टीम को। फिर से दीपक रेड कराने के लिए आए हैं, दीपक फिर से रेड कराने के लिए आए हैं, समझौता इस बार दीपक पकड़े गए, काफी सदा टैकल कहा जाएगा भोजपुर टीम के द्वारा, और मिलेगा पॉइंट भोजपुर टीम को। धन्यवाद, फिर से मनीषा है रेड करने के लिए, और मनीष अपने टीम के लिए एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर देखिए उसमें
टीम के साथ वापसी, टीम मनोकर अपना डाउन कर लिया और डाउन करने के साथ इस तरह से फिर से एक बार गया रन सुधीर को रन करने के लिए और सुधीर इस बार पैर को निकालते हैं शानदार टैकल वहां पे, लेकिन पैर देख रहे होंगे क्या पैर फिसल गए थे या इस बार फोकस पॉइंट और एक बाउंस एक शानदार रेड कहा जा गया यहाँ पे। हालांकि अगर इस बार की रेड तो सकते यहाँ पे थी, एक शानदार रेड तो सकता थी यहाँ पे भूलतापुर टीम को, लेकिन भूलतापुर ने यहाँ से अपने घर का घूमकर अपने बात से मैचों को खो दिया। हालांकि पॉइंट की स्कोर की बात करें तो दोनों टीमें कच्चा प्रदर्शन जाहिर किया है, लेकिन इस मुकाबले पिछले मुकाबले की बात करो तो उसमें काफी अंतराल देखने को मिले थे। फिर से बात दीपक का हेड करने के लिए टैकल करने का प्रयास थे के लिए यहाँ पे धर्मवीर के द्वारा, लेकिन धर्मवीर अपने आप को घर तक हो गए एक शानदार टैकल। हम पहले के पुरानिया लोग से सुन ले बानी कि खेल रहा बच्चों का, ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें दिल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, यही कबड्डी का गेम है भाई। जितना रियाज करबो उतने खेलबो, आज तक बिना प्रैक्टिस को ये मैच खेले खातिर चलो घर तो फ्री में एंट्री होता है। 10 मिनट हो चुका है इस सेट का, फिर से भी तो आए रेड कराने के लिए। क्राफ्ट की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और रेड कराने के लिए गए हैं। राष्ट्रीय प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और समझौता पकड़े गए, अपने टेंडर में क्या आता है और एक पॉइंट भी मिलेगा खानपुर डुमरिया को। फिर से सुधीर रेड कराने के लिए 5 नंबर जर्सी में मुजफ्फरपुर के टीम में रेड कराने के लिए गए हैं और क्रास की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। समझौता सुपर टैकल ऑन है और एक प्लेयर सेफ आउट हो चुका है, सुपर टैकल ऑन है, पकड़िए 2 पॉइंट मिलेगा आपको भोजपुर के प्लेयर और इसी के साथ भोजपुर की टीम ऑल आउट, मिलेगा खानपुर डुमरिया को 5 पॉइंट। 12 मिनट के खेल की समाप्ति हो चुका है। फिर से रूपेश गए हैं भोजपुर के प्लेयर खानपुर डुमरिया को परेड कराने के लिए और काफी ज्यादा अपना फुटवर्क दिखाते हुए देखते हैं अपने टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। बिना खाली पॉइंट वापस आएंगे और बिना पॉइंट वापस अपने कोर्ट में फिर से खानपुर डुमरिया के रेडर रेड कराने के लिए आए हैं। क्रास की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, 12.5 मिनट की खेल की समाप्ति हो चुका है। बिना खाली पॉइंट वापस अपने कोर्ट में फिर से विकास रेस कराने के लिए खानपुर डुमरिया कोर्ट में और टच पॉइंट लेके चले गए विकास। फिर से दीपक रेड कराने के लिए आए हैं और उसके की बात की जाए तो डुमरिया 61 है और भोजपुर की टीम बासठ और भोजपुर 62 है, डुमरिया और भोजपुर 18 और फिर पे पकड़ लिए गए। 13.5 मिनट की खेल की समाप्ति हो चुका है। फिर से खानपुर डुमरिया के रेडर रेड कराने के लिए आए हैं भोजपुर के कोर्ट में। देखते हैं अंपायर का डिसीजन क्या आता है। 2 पॉइंट मिलेगा फिर से खानपुर डुमरिया को। मनीष गए हैं रेड कराने के लिए 4 नंबर जर्सी। क्रास की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं
देखते हैं पॉइंट लाते हैं कि बिना पॉइंट वापस आएंगे। नौ आठ फिर से सुधीर सुपर टैकल ऑन है सुधीरा एरेट कराने के लिए। इस मैच का लाइव पीरियड होगा, इस हाफ सेट का लाइव पीरियड मुजफ्फरपुर टीम से होगा। फिर से मनीष रेड कराने के लिए गए हैं, लाइव रेड है ये। और वन टच पॉइंट मिलता हुआ मुजफ्फरपुर टीम को, इसी के साथ मैच का समाप्ति होता हुआ स्कोर भाई थोड़ा बता दीजिए।